हेलो रिवन वेलकम टू आर प्लस एस अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज दिस इज अ वीडियो ऑन डेली टॉपिक वाइज न्यूज एनालिसिस विद कवरेज ऑफ द न्यूज वुड बी फ्रॉम टू लीडिंग न्यूज पेपर दट इज द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस तो इस दोनों न्यूज पेपर से जो इंपॉर्टेंट न्यूज है जो न्यूज़ की थीम है जो आर्टिकल है उसको समझेंगे ताकि ज्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके आपका प्रलम्स और मेन्स एग्जामिनेशन में सो लेट गेट स्टार्टेड and this is the topic list today is 16th of june uh, these are the list of the topic that i'll be discussing today first is sipri report on nuclear growth uh, sipri basically siprb ke the short form mein isko sweden ki ek bahut badi think tank hai unhone nuclear growth ko lekar ke kuch reports di hain usko dekhenge apart from that rapid antigen test abhi recent mein icmr ne इसको approval किया है uh, due to COVID 19 क्योंकि जिस तरह से जो पुरानी test है जो पीसीआर test है उसमें हम सारी चीज़ों को कर नहीं, का, नहीं कर कवर नहीं कर पा रहे तो उसको लेकर के रैपिड एंसिडेंट टेस्ट है सो ब्रीफ लाइट टेल यू व्हाट इज देर उसके बाद साउथ चाइना सी एंड सिक्योरिटी कंसर्न एंड नॉन अलाइन टू द ऑप्शन ऑफ एलएसी जो लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल है उसको लेकर के अपार्ट फ्रॉम दिस देर वुड बी एम क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन तो जो कल के सवाल थे उसके एक्सप्लेनेशन मैं आज बताऊँगा और साथ के साथ वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे सो लेट गेट स्टार्टड एंड इफ यर न्यू टू आर चैनल डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एप्टिव प्लेस अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज ऑन YouTube. and do not forget to like a hit button on this video now the first topic is separate report on the nuclear growth you can find this news in the hindu aapko aaj ke the newspaper hindu ke newspaper mein ye mil jayegi to isse se related sari cheeze hum jo discuss karenge basically sepri uh, ने जो report di usme bataya hai कि जो सारे nations हैं, उनके basically जो nuclear weapons हैं, that is continuing to modernize in the nuclear arsenal आर्सेनल का मतलब होता है न्यूक्लियर का जो स्टॉक पाइल है जो कंप्लीट स्टॉक है न्यूक्लियर स्टॉक्स वेपन्स उसको आर्सेनल के नाम से भी जानते हैं राइट right? और अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट दिस इज बाय द स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको सुप्री भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में तो आप याद रखें ये स्वीडन की है एंड दिस इज बेसिकली अ थिंक टैंक राइट तो इन्होंने बताया कि जो इंडिया और चाइना है उन्होंने उनकी जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है वो काफी इंक्रीज हुई है पिछले एक साल में मैं आपको आगे ग्राफ के थ्रू भी बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं कितनी इंक्रीज हुई है नौ कुछ रिपोर्ट की फाइंडिंग समझ लेते हैं उससे पहले uh, जो रिपोर्ट है अकॉर्डिंग टू दैट कि चाइना इज इन द मिडल ऑफ द सिग्निफिकेंट मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स न्यूक्लियर आर्ट सो चाइना इज एट द मिड ऑफ द न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन एंड टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ सच न्यूक्लियर ट्राइड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट मेड अप द न्यू लैंड एंड द सी बेस्ड मिसाइल न्यूक्लियर कैपेसिटी एयरलिफ्ट बिकॉज आपने देखा होगा चाइना ने बहुत सारी सब मेरीन्स कैपेसिटी के हिसाब से या और भी जो उनके स्टेशन हैं उसमें बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन किया है और टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान तो दे आर स्लोली इंक्रीजिंग द साइज डाइवर्सिटी एंड द न्यूक्लियर फोर्सेज नाउ इस रिपोर्ट में चाइना के जो बारे में स्पेसिफिकली बताई गई है कि टू थाउजेंड नाइनटीन में उनके पास जो वॉर हेड्स थी वो टू नाइन्टी थी नॉ टिंग अबाउट इन थ्री ट्वेंटी इट्स has इंक्रीज टू थ्री ट्वेंटी 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 राइट तो अब देख सकते हो इंक्रीजमेंट ऑफ ऑलमोस्ट थर्टी न्यूक्लियर वॉटर्ट्स यहाँ पे हुई है सिर्फ चाइना के साथ और वहीं पे अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया में वी हैव क्लोज टू वन थर्टी टू वन फोर्टी टू थाउजेंड नाइनटीन इंडिया के पास बट ट्वेंटी ट्वेंटी में जो हमारी नंबर है इंडिया की वो इंक्रीज होकर के वन फिफ्टी हुई है तो हमारा जो इंक्रीजमेंट रेशियो है वर्फ टेन का है ठीक है प्लस माइनस टेन ओनली टेन Now, पे अगर पाकिस्तान का आप देखोगे uh, तो हैव मोर नंबर जो नंबर है वो 150 है बट पाकिस्तान इंडिया और बोथ चाइना एंड पाकिस्तान लार्जर न्यूक्लियर आर्सनल देन इंडिया दिस इज वॉट है आपको आगे ग्राफ में भी बताऊंगा एंड न्यूक्लियर आर्सनल एंड न्यूक्लियर आर्म स्टेट जो बात करे अगर यूनाइटेड स्टेट्स की एंड रशिया दे आर कंसिडरबली स्मॉलर कम्पेयर टू और अदर कंट्रीज़ के साथ जैसे यहाँ पर बेसिकली ग्रोथ को लेकर के बात की गई ये जो और ग्रोथ है कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ वो थोड़ी स्लो है नो कम टू द ग्राफ एक पिक्चर है जिसके थ्रू आपको चीज़ें क्लियर होगी तो दिस इज द कंट्री होल्डिंग द वर्ल्ड न्यूक्लियर आर्सनल आर्सनल और वेपन तो दिस इज द रिपोर्ट ऑफ मे टू थाउजेंड नाइनटीन ठीक है ये स्टाटिका नाम की एक फॉर्म है उन्होंने रिलीज़ किया है इसको तो आप देख सकते हो रशिया का जो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन में देव सिक्सटी फाइव नंबर यू एस ए सिक्स 185 और व्हेन इट कम टू इंडिया वी आर इन द रैंक थर्ड फ्रॉम द बिलो 140 और हमसे आगे है पाकिस्तान जिसके पास 150 है टोटल न्यूक्लियर हेड्स राइट नाउ दिस इज द वर्ल्ड न्यूक्लियर वेपन स्टॉक पाइल्स की अगर बात करें तो यहां पे भी इंडिया के जो पहले की जो डाटा है दैट सोर्स वी आर इन द 130 सो दिस इज ऑफ 2018 राइट right? और जो पाकिस्तान है यू कैन सी द नंबर दे हैव 150 राइट right? सो दीज आर टू डेटा तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हो कि वाई द एटीट्यूड ऑफ पाकिस्तान इज सच टूवर्ड्स इंडिया बिकॉज दे आर प्रेडी कॉन्फिडेंट कि न्यूक्लियर के अगर स्टॉक पाइप पर बात करें तो दे आर हेड ऑफ़ दैट बट दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी यू नो इनकन्क्लूसिव स्टेटमेंट कमिंग फ्राम पाकिस्तान बट इंडिया डेफिनेटली नीड टू इंक्रीज दिस एंड वी नीड टू कम टू दिस पोजिशन एटलीस्ट कि हमें पाकिस्तान से ऊपर रहने की जरूरत है नो बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट फाइंडिंग की तो जो यूएस रशिया और यूनाइटेड किंगडम फ्रांस चाइना इंडिया पाकिस्तान इज़राइल नॉर्थ कोरिया इनके हिसाब से जो एस्टिमेशन है द पोजेंट एस्टिमेशन इज थर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड न्यूक्लियर वेपन ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है एंड दिस मार्क द डिक्रीज़ ऑन द एस्टिमेट जो पहले की जो थी उससे करीबन करीबन वन थ्री एट सिक्स फाइव हुआ करती थी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ट्वेंटी नाइनटीन एंड द डिक्रीज इन द ओवरऑल नंबर वॉज ड्यूली टू द डिस्मैंटल ऑफ द ओल्ड न्यूक्लियर वेपन बाय द रशिया तो रशिया के जो पुराने बहुत सारे चीजों को उन्होंने डिसमेंटल किया अपने ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन अगर बात करें यूएस और रशिया की तो हैव रिड्यूस्ड देयर न्यूक्लियर आर्सनल अंडर द न्यू ओके आप देख सकते हो ये ट्रीटी है न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी जिसको न्यू स्टार्ट भी कहते हैं तो न्यू स्टार्ट आपके के, लिए भी काफ़ी जरूरी है। तो के ने सारे चीज़ों को कंट्रोल किया है मॉडर्नाइज right? an करेंगे, करेंगे अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को फॉर द डिलीवरी सिस्टम राइट सो दिस ऑल द कंक्लूजन दैट इज कमिंग फ्रॉम सिपरी एंड अगर आप मेन्स में आंसर लिखोगे बेसिकली जनरल स्टडीज पेपर टू में तो ये सारे पॉइंट्स आपको काफ़ी हेल्पफुल करेंगे वहां पे नाउ कमिंग टू द अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ रैपिड एंटीजन टेस्ट बेसिकली ये आपके जनरल स्टडीज के पेपर थ्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक स्पेसिफिकली जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट हैं जिन्होंने टेंथ के बाद साइंस आगे कंटिन्यू नहीं किया उनके लिए चीज़ें काफी इम्पोर्टेंट हैं so, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रलिम्स एग्जामिनेशन तो बहुत ही ध्यान से समझो इसको अभी रिसेंटली जो आई सी एम आर है जो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है उन्होंने कुछ डायग्नोस्टिक को अप्रूव किया है बिकॉज ऑफ द कोविड नाइन्टीन की जो केसेज है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है आई सी एम आर की जो प्रेजेंट कैपेसिटी है वो करीबन वन लाख के आसपास है राइट right? और जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है दैट इज़ यूज फॉर द स्पेसिफाइड सेटिंग कुछ स्पेसिफाइड जगह पर ही उसको यूज़ करते हैं एंड बेसिकली अभी इनिशियली सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनको अप्रूवल दिया गया है और वो अप्रूवल भी साउथ कोरिया की कंपनी में आपको आगे उसका नाम बताऊंगा दैट हैज़ ओनली गॉट द अप्रूवल तो जिस तरह से पहले अगर पहले कि रैपिड किट से पहले जो हमारा पी था जो आर टी था उसको मेथड को यूज करते थे जहाँ पे द रैपिड एंटीजन डिटेक्शन है दैट सीक्स टू डिटेक्ट द वायरस रादर देन द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी तो ये दोनों जो मेथड है वो एंटीजन पे ही काम करेगी ना कि एंटीबॉडीज पे राइट right?

न दिस इज द यहाँ पे होता क्या है कैसे टेस्ट करते हैं जो स्वैप्स होती है जो नैजल स्वैप्स हैं उससे सैंपल कलेक्ट करते हैं एंड दैट डिटेक्ट द एंटीजन एंटीजन का मतलब क्या होता है बेसिकली वैसे सब्सटेंस जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में नहीं होती है दैट इज इंड्यूस्ड एंड इन इमूड रिस्पॉन्स टू द बॉडी राइट जो फॉरन सबस्टांस के लिए इम्यूनिटी डेवलप करती है अगेंस्ट द शार्स कोविड टू और जिसको कोविड नाइन्टीन भी कहते हैं तो आई ने अलाउ किया है एंटीजन डिटेक्शन किट्स के लिए जो कि डेवलप की जाएगी साउथ कोरियन कंपनी जिसकी नाम है एच बायोसेंसर बेसिकली इसकी जो प्लांट है इंडिया में सिर्फ इंडिया में दे आर ऑपरेटिंग इन गुड़गांव ओके हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में गुड़गांव तो वहाँ पे ये चीज़ें ऑपरेट होगी एंड दे दे डू नॉट हैव एनी अदर ऑपरेशन पैन इंडिया सिर्फ गुड़गांव में इनका प्लांट है तो वहाँ से ये मैन्युफैक्चर करेंगे द प्लांट इज़ देर बेसिकली इन मानेसर एक छोटा रीजन है गुड़गांव के अंदर मानेसर वहाँ पर आप मानेसर के बारे में आपको यही पता होगा जो एन एस जी जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनका भी हेड क्वार्टर मानेसर में है सुजुकी की सबसे बड़ी प्लांट एशिया की मानेसर में है तो दिस इज़ बेसिकली एन इंडस्ट्रियल हब जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं नो अगर बात करें किट की तो दिस इज़ कमर्शली कॉल्ड स्टैंडर्ड क्यू कोविड किट जिसको ए जी डिटेक्शन के लिए बेसिकली एंटीजन डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा ए जी स्टैंड फॉर एंटीजन नाउ हाउ दिस रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम आर टी पी सी आर किट अगर बात करें कि दोनों में डिफरेंस क्या है क्यों अभी इसको आई सी एम आर ने अप्रूवल दिया है तो जो पी सी आर किट है दैट इज करेंटली अ गोल्ड स्टैंडर्ड जो मैंने आपको बताया फ्रंट लाइन टेस्ट के लिए लेकिन जो हमारी रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो भी सीख करती है कि किस तरह से जो एंटीजन है उसको डिटेक्ट करें दोनों के मेकनिज़म में अगर डिफ्रेंस बताऊँ तो जो पी सी आर टेस्ट है उसमें अमूमन बेसिकली टू टू फाइव आवर लगते हैं पूरे टेक्स्ट को डिटेक्ट करने में बट वहीं पे अगर एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट की जाएगी जो कि है आपकी रैपिड एंटीजन टेस्ट के साथ तो यहाँ पे जो टाइम है वो सिर्फ 30 मिनट्स के आसपास लगती है तो आप देख सकते हो टाइम स्पेन काफ़ी कम है इन 30 मिनट्स यू कैन गेट द कंक्लूसव रिजल्ट वेदर are कोविड पॉजिटिव और negative. नाउ दिस रिजल्ट रिवील दैट द किड हैज अ वेरी हाई स्पेसिफिसिटी और एबिलिटी है टू डिडेक्ट द ट्रू नेगेटिव इनिशियली आई सी एम आर ने इसको अप्रूवल से पहले अप्रूवल नहीं दिया था बट सींग दंडीशन ऑफ इंडिया और ऑथेंटिसिटी की बात थी क्योंकि पहले कुछ डोमेस्टिक कंपनीज थी जिनको अलाउ किया गया था बट आफ्टर टेस्टिंग आफ्टर ट्रायल्स उनको सक्सेसफुल बेसिकली आई सी एमआर ने अप्रूवल उनको लगा कि अभी भी कुछ इश्यूज हैं सो दे हैव सेलेक्टेड ओनली द साउथ कोरियन कंपनीज उसके बाद अभी जो रिपोर्ट्स है एक्यूरेसी की अगर बात करें तो नाइनटी नाइन पॉइंट थ्री परसेंट लेकर हंड्रेड परसेंट तक की एक्यूरेसी देखी गई है इसमें ना वॉट विल बी द टेस्ट यूज फॉर किन किन जगह पर यूज़ की जाएगी इस टेस्ट को जो रैपिड टेस्ट है अपार्ट फ्राम जो पी सी आर टेस्ट है जो हमारी आर टी पी सी आर है उसके अलावे जो अभी हमने जो एंटीजन टेस्ट है वो और कहाँ होगी तो बेसिकली वैसे जगह पर जो कंटेनमेंट जोन्स हैं ठीक है लाइक मुंबई डेली बेसिकली चेन्नई तमिलनाडु में बिकॉज आपको रिसेंट आपने न्यूज सुना होगा तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि कंप्लीटली शट डाउन कर रहे हैं वो बारह दिन के लिए कंप्लीट शट डाउन वुड बी देयर फॉर टूवेल्व डेज दिस इज टू सी कब से एग्जीक्यूट होती है बट दिस इज फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर दैट सेट कि देयर कंप्लीटली सटिंग इट डाउन तो यहाँ पे हॉटस्पॉट है uh, और जो हेल्थ सेटिंग है उन जगह पे यूज होगी एंड इन बोथ सेटिंग आई हैज एडवाइज्ड कि द टेस्ट विल बी परफॉर्मड एन ऑन साइट अंडर स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन जहाँ पे जो टेम्परेचर जो किट है उसकी जो Uh, जो टेम्परेचर में, तो में ही टेस्ट को रखना होता है आप समझ सकते हो इस वजह से कई जगह पे ये चैलेंज हो जाएगी अगर इस तरह से टेम्परेचर में ना हो तो ये टेस्ट किट खराब हो सकती है राइट नाउ इज इट कंफर्मेटरी फॉर द डायग्नोस्टिक ऑफ कोविड 19 तो आईसीएमआर के गाइडलाइन के मुताबिक जो टेस्ट है पॉजिटिव रिजल्ट एंड इट शुड बी कंसिडर्ड एज ए ट्रू पॉजिटिव एंड डज नॉट नीड फॉर द रिकन्फर्मेशन क्योंकि पहले जो किट्स बनी थी उसमें रिकन्फर्मेशन की जरूरत पड़ रही थी बट अब जो ये साउथ कोरियन कंपनी से बेसिकली आई सी एम आर ने टाइप किया है उनके रिपोर्ट को फाइनल माना जाएगा एंड हाउ एवर डोज हु रैपिड एंटीजन टेस्ट शुड बी देन टेस्टेड बाय द पी सी आर टेक रूल आउट द इन्फेक्शन अगर फिर भी कुछ सिम्टम्स होते हैं निगेटिव टेस्ट होने के बावजूद भी तब फिर उसको बाद में जो बेसिकली जो लास्ट रिजॉर्ट है हमारे पास दैट इज आर टी पी सी आर पी सी आर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन राइट तो इसके थ्रू ही फाइनल अप्रूवल दी जा सकती है सो दिस इज ऑन द कन्फर्मेटरी साइड कि अगर आपको रैपिड टेस्ट में नेगेटिव आई है फिर भी यू आर स्विंग सम सिम्टम्स तो पी सी आर किट से उसको फाइनली अप्रूव करेंगे नाउ आगे बढ़ते हैं दैट इज़ साउथ चाइना सी एंड सिक्योरिटी कंसर्न ये आपको आज के इंडियन एक्सप्रेस में मिल जाएगी विजय गोखले हैं इन्होंने लिखा है ही वॉज इंडिया इज़ टू चाइना एंड वॉज अ फॉरिन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया तो बेसिकली इस आर्टिकल में अगर मैं बताऊँ तो बहुत ज़्यादा ट्राइंगुलर डेविएशन है यहाँ पे बात की गई है चाइना की यहाँ पे बात की गई है यूएसए की यहाँ पे बात की गई है मलेशिया की और इंडिया के, के कंसर्न में बट हम लोग जो आगे देखेंगे वो सिर्फ इंडिया के कंसर्न में होगा साउथ चाइना सी और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है बिकॉज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा रेलिवेंट है न अगर साउथ चाइना सी की बात करें तो बेसिकली इज अ पार्ट्स ऑफ पेसिफिक ओशन आप सभी को पता है एंड एक्सटेंड फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ मलक्का इन द साउथ वेस्ट टू द स्ट्रेट ऑफ ताइवान इन द नॉर्थ ईस्ट सो दिस इज द मैप वर्क विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बात करें जो कंट्रीज हैं इनके अंदर में तो दैट इज चाइना ताइवान फिलिपिनस मलेशिया ब्रुनई इंडोनेशिया सिंगापोर कंबोडिया थाईलैंड एंड वयतनाम सो दीज आर द कंट्री दैट आर पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी अब बात करें कि इंपॉर्टेंस क्या है साउथ चाइना सी की बेसिकली एक बहुत ही बिजिएस्ट एंडर इंटरनेशनल वाटर है जिसका जो ग्लोबल ट्रेड है पर ईयर की अगर बात करें तो फाइव ट्रिलियन के आसपास है फाइव ट्रिलियन आप समझ सकते हो इतना बड़ा अमाउंट है कि जो इंडिया जो की जो जी की टारगेट थी इस बार कोविड से पहले वह फाइव ट्रिलियन रखी गई थी आप तो समझ सकते हो कितना हीज अमाउंट है नाउ इट इज अ रिच सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड नेचुरल रिसोर्सेज इस दोनों का सबसे बड़ा रिचेस्ट सोर्स है साउथ चाइना सी अब आइसलैंड में कौन कौन से ऐसे आइसलैंड है जो साउथ चाइना सी के अंदर आते हैं दोनों नाम आपको पता होने चाहिए पहला है पार्सल आइडस दूसरा है स्पार्टली आइसलैंड तो पार्सल आइसलैंड जो है वो क्लस्टर्ड है ऑन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द सी और जो स्पाटली आइसलैंड है दैट इज ऑन द साउथ ईस्ट कॉर्नर अगर बात करें कंट्रीज की तो जो साउथ चाइना सी में जो दोनों डिस्प्यूट uh, की अगर बात करें तो बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू इस पार्टी आइज जोग्राफिकल फीचर वाइज जो क्लेम करते हैं कि वो पार्टी आइसलैंड के रीजन में आते हैं दैट इज ताइवान वियतनाम फिलिपिन्स चाइना एंड मलेशिया सो दीज आर द कंट्री दे हैव देयर दे क्लेम देयर जूडिस्डिक्शन ऑन दिस पार्टी आइजलैंड बात करें पार्चल आइसलैंड की तो ये क्लेम की जाती है चाइना वियतनाम और ताइवान के द्वारा Now, this is the map work which will help you understand how exactly the things are working. This is the country like Taiwan is here. You can see the Philippines, Indonesia, Malaysia. Uh, this is again the Malaysia, Vietnam. This is the parcelized in the South China Sea, and this is Sparty Island. So, this will help you understand exactly the figure about it. And talking about India, you can see this is something which is called Sea of Communication. This is the region of the South China Sea. So, India is significantly important as a trade route.

एंड इंडिया बिलीवज दैट द डिस्प्यूट इन द साउथ चाइना एशिया इलेक्टोरल रीजन इज द लिटल मस्टेस्ट फॉर द इंटरनेशनल मेरी टाइम लॉ जो यूनिकॉल्स का जो लॉ है उसका कहीं ना कहीं वायलेशन कर रही है चाइना आप अनकलॉज uh, के जो लॉज है वो भी पढ़ लेना प्रलिम्स के लिए काफ़ी जरूरी है क्योंकि इसमें कुछ डिस्टेंस बताए गए हैं कि कितने डिस्टेंस के बीच में आपको ट्रेड करना या कितने आप इंटरफेयर कर सकते हो और जो हमारी हेक ट्राइब्यूनल की जो वर्डिक्ट है साउथ चाइना सही पे जो उनको वर्डिक्ट दिया उसके बाद इंडिया ये इंडिया ये ओबलाइज हो जाती है जो प्रिंसिपल स्टैंड है इस इशू पे जिसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड कमर्शियल एक्सेस जो कि ऑलरेडी में इसके बारे में जिक्र है कि सारे कंट्रीज को जो भी इस रीजन में आते हैं उनको फ्रीडम है ट्रेड करने की राइट right? तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड का कहीं ना कहीं वायलेशन है अनकलॉज के जो लॉज है उसका वॉयलेशन है नॉ टॉकिंग अबाउट इंडिया सपोर्ट इन द नेगोशिएशन सेटलमेंट तो जो ब्रुनाई के जो मैरिटाइन डिस्प्यूट्स हैं उसको देखते हुए चाइना के जो डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट है ये सारी चीज़ इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी कंसर्न होते चल रही है एंड इंडिया नीड टू तो टेक एन कंक्रेटिव एंड कम्प्रिहेंसिव एक्शन इन टर्म्स ऑफ साउथ चाइना सी राइट अगर बात करें यूनाइटेड स्टेट्स की स्टैंड की तो यूनाइटेड स्टेट्स है डू नॉट क्लेम साउथ चाइना सी उनका कोई क्लेम नहीं रहा है साउथ चाइना सी पे बट जो चाइना की असर्टिवनेस है उस पर यूनाइटेड स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा बेसिकली कंसर्न है और जो कमर्शियल व्हीकल्स इन द साउथ चाइना सी इज़ वाइटल फॉर द रीजन इन द इंटरनेशनल ट्रेड राइट right? और एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुई है विथ फिलिपींस जापान ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया इसी को लेकर के राइट right? नौ आगे बढ़ेंगे नॉन अलाइंड एंड द ऑप्शन इन द एल बेसिकली ये आपको आज के हिंदू में मिल जाएगी तो उसमें बताया गया कि एल जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस पर अगर सारी चीजों को बेसिकली स्ट्रीम लाइन रखना है शांतिपूर्वक चलना है तो नॉन अलाइंड करने की जरूरत है दिस कैन एक्ट एज अ टूल और अभी प्रेजेंट में ऐसी चीज़ें हुई भी हैं अभी पिछले आ, महीनों से जिस तरह से इंडिया और चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ चल रही है काफ़ी हेडलाइन में रही है ये न्यूज़ दैट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट इन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द लद्दाख एंड द सिक्किम सेक्टर रीजन हमने भी इसको डिस्कस किया पहले अपने डेली न्यूज़ एनालिसिस में तो आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं देख सकते हैं एंड बट आफ्टर द नेगोशिएशन बोथ इंडिया एंड चाइना हैज़ एग्रीड टू स्टेप मार्जिनली बैक एंड द पोजिशन अडोप्टेड तो अभी नेगोशिएशन हुई है मिनिस्टर लेवल पे लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पे मेजर्स लेवल पे तो पार्टली डिसकनेक्ट किया गया है ना क्या अगर कैसे सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी तो देखिए अगर शुरुआत से जो चाइनीज़ फोर्स हैं वो एक साइजेबल नंबर से बेसिकली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में एंटर किया था उन्होंने लद्दाख वाले रीजन में सिक्किम रीजन में इन में और जो विस्निसिटी है पेंगोंग जिसको एशिया की सबसे बेहतरीन खूबसूरत लेक में शुमार है और जो गालवान वैलीज है हॉट स्प्रिंग गोरगा एरियाज है लद्दाख के रीजन में और नाकुला है सिक्किम में उस एरिया में जो चाइनीज मिलिट्री की जो प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा देखी गई थी दे हैव एंटर्ड टू टू थ्री किलोमीटर इन दिस रीजन राइट और पार्शियल डिस इंगेजमेंट हुआ बेसिकली जो मिलिट्री कमांडर्स लेवल पे जो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल्स पे ब्रिगेडियर लेवल पे जो टॉक्स हुए उसके बाद जो ऑफिशियल जागरण हुई जो ऊपर के आई वो थी पार्शियल डिसंगेजमेंट

Now this is the map which will help you understand you can see this is the line of actual control this is the Aksai chain region this is the Ladakh Leh this is the India this is again the LOC and this is the Siachen region right so here the standoff is somewhere close to this region to this region right and if we other areas of concern then China alleged that India's basically construction of road hai, और यू you नो know, जो चाइनीज टेरिटरी की तरफ अंदर जा रहा है वो चाइना के लिए कंसर्न है बट इंडिया शेयज़ कि हम जो बना रहे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं दैट इज़ कंप्लीटली अंडर द टेरिटरी ऑफ इंडिया और पब्लिक अटेंशन भी काफ़ी डिफ्लेक्ट हुई है फ्रॉम चाइना साइजेबल मिलिट्री प्रेजेंस ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड इंडिया ऑल्सो लूजेज नो अपॉर्चुनिटी टू क्लेम द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो यहाँ पे भी इंडिया के पास जो कंसर्न ये है कि हमारी जो डोमिनेंस होनी चाहिए थी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में सो वी हैव नो अपॉर्चुनिटी लेफ्ट बिकॉज इंडिया इज आउट ऑफ दिस राइट एंड चाइना फर्दर व्यूज की जो इंडिया के जो असरशन है रिगार्डिंग द गि बलाचिस्तान जो रीजन है दैट इज़ इम्प्लिस फॉर द सी पी सी बेसिकली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और चाइना फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के लिए तो ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ी कंसर्न है बिकॉज इफ पाकिस्तान कम टू द मेन स्ट्रीम वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिस यूज़ होने की खतरा हो सकता है ना वे फॉरवर्ड क्या है बेसिकली इंडिया के लिए ये है कि वी नीड टू अंडरटेक द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द रीसेंट इवेंट जो भी अभी रीसेंट इवेंट हुई है उससे हमें सीख लेने की जरूरत है और कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स करने की जरूरत है जो कि आगे इस तरह के जो कंप्लीट वायोलेशन है वो ना हो पाए एंड बोथ इंडिया एंड चाइना हैव बिन स्ट्रेंथनिंग देअर बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर तो बात करें चाइना के भी इंडिया के भी वी आर कम्प्लीटली स्ट्रेंथिंग आर बॉर्डर क्योंकि बॉर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट एंड अ डेमोस्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री स्ट्रेंथ बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर वुड फॉल इन टू दिस कैटेगरी और जहां तक बात करें बॉर्डर मैनेजमेंट की या बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर की तो मैं समझता हूँ कि मेन्स में इस पर एक सवाल जरूर आएंगे तो आप बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर मैनेजमेंट पे एक सवाल जरूर देख लें नॉर दिस फिट द एक्शन वेस्टर्न एसोसट्रेशन ऑफ दाइड न्यूलीमिक फॉरन पॉलिसी और जिस तरह से कोविडीन के बाद चाइना पे ये आरोप लगाए गए हैं और there's been uh, condemn of the China कि they are doing something which is not favorable for other regional as activity तो post pandemic ये सारी चीजें uh, foreign policy को लेकर के काफी ज्यादा खचना साबित हुई हैं Now I would like to tell you that we have started our daily answer writing practice challenge on the Telegram channel so this is a dedicated challenge on the Telegram जहां पे आप हर दिन क्वेश्चन आपको morning 10 a.m. तक आपको क्वेश्चन मिल जाएगी और you can write your answer by 6 p.m. और यू कैन सेंड दैट नंबर और उसको प्रॉपर रिव्यू आप दिया जाएगा राइट right? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी जहाँ पे आप डायरेक्टली इस चैनल पर जा पाएंगे नो कमिंग टू द आंसर्स ऑफ द येस्टरडे क्वेश्चन सो जो पहला सवाल था वो मनरेगा को लेकर के था जो करेक्ट आंसर है वो है बी आप ये सारी पढ़ सकते हैं इसमें डिटेल्स दैट इज प्रोवाइड हंड्रेड डे गारंटी वेजेस इकोनॉमिक सिक्योरिटी इंक्रीज हुए डिक्रीज इन द माइग्रेशन ग्रास रूट लेवल अप्रोच रखी गई है प्रोग्राम अंडर द एक्ट ऑफ डिमांड और स्कीम जो है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है जहाँ पे फुल कॉस्ट जॉइंट लेबर की सेवेंटी जो है वो बोन की जाती है बेसिकली सेंटर के तरफ से राइट तो इसका आंसर है बी न सेकेंड क्वेश्चन वॉज रिगार्डिंग द बेसिकली अमेंडमेंट तो यहाँ पे ट्वेंटी वन ए को लेकर के मैंने आपसे सवाल पूछा था उसका करेक्ट आंसर है डी जिनमें कि दोनों भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है मैंने आपको कल बताया था ये क्वेश्चन बहुत इजी है बट दिस इज इनकरेक्ट राइट फैक्चुअली इनकरेक्ट था ये तो द कॉन्स्टिट्यूशन 2002 थाउजेंड टू इंसर्टेड आर्टिकल 21 वन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है दैट इज अमेंडमेंट प्रोवाइड फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं तो आप बेसिकली जो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं उसको बहुत ही ध्यान से पढ़े ताकि कोई मिस्टेक ना हो पाए अब बढ़ते हैं अपने आज के एम सी क्यूज के तरफ तो जो पहला सवाल है वो आपको ज्योग्राफी से बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द विंड से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है इट ब्लोस फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर एरिया इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड द विंड डायरेक्शन इज कॉ एनिनमोमीटर इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है वन टू बोथ वन एंड टू और नन ऑफ द दफ बहुत ही ईजी क्वेश्चन है एनसीआर टी अगर आप में से किन लोगों ने पढ़ा होगा तो ईजिली इसको आंसर कर पाएंगे राइट right? सो डू लेट मी नो यूर आंसर इन द कमेंट्स डाउन बिलो और करेंट अफेयर से जो क्वेश्चन है उसमें आपको ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के बारे में बताना है कि द इंडेक्स क्वानिफाई दिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन टू द प्रोडक्टिविटी नेट इज रिल यू एन डी पी अगेन द सेम ऑप्शन ए बी सी और डी सो डट मी नो यूर करेक्ट आंसर इन द कमेंट्स डाउन बिलो सो दिस वॉज द क्वेश्चन फॉर द डे एंड आई वुड लाइक टू टेल यूट वी लॉन्च आर films test series, total 25 tests, 13 would be from full length and 12 would be from the current affairs. So do not forget to enroll yourself, the examination is due on 4th of October, so very less time is left to prepare for uh, the, this series, Okay, so it is very essential time to make practice as much as possible. And do not forget to like this video, subscribe our apti plus academy on civil services, if you have any other concern do let us know, we will be more than happy to assist you. For time being I am signing off, wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.